नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, हम लेकर आए क्लरिकल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें दोस्तों हम जो न्यू पैटर्न है जो कि आपने दिया होगा दोस्तों सीआरपीएफ का एग्ज़ाम, उसमें भी दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड था, तो उसमें क्या पूछा, जी के ही पूछी गई है। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी जी के ही क्वेश्चन थे। तो आप दोस्तों जी के क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं आपके लिए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 10-11 क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और क्लरिकल एप्टीट्यूड की दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, 80+ वीडियोज़ हैं दोस्तों, उन सभी को आप वॉच करें। और एक CRPF में दोस्तों हमने एक आपको क्लास दी थी, जिसमें एक ही क्लास में दोस्तों सभी टॉपिक हमने कवर करा दिए थे, तो उन सभी को भी आप जाकर जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए दोस्तों BSF SCM का, तो आप WhatsApp पर मैसेज कर ले सकते हैं, नंबर है 7417-1527-76, इस नंबर को नोट कर लें दोस्तों, और आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट BSF का मिल जाएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चनों को, तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो अब पढ़ते हैं, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, महावीर, पारसनाथ, ऋषभदेव और पद्मब्राह्म। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, ऋषभदेव। दोस्तों पहले तीन तीर्थंकर थे जैन के, 24वें तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी थे और पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ओरिजिनल और कॉपी। तो दोस्तों अब यहाँ पर मूल की तुलना कॉपी में त्रुटियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में आप पढ़ें, फाइंड द नंबर ऑफ एरर इन द कॉपी व्हेन कंपेयर टू द ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल से दोस्तों कॉपी की कंपेरिजन करना है, कंपेयर करना है इस ओरिजिनल से इस कॉपी का, तो इसमें कितनी मिस्टेक हुई हैं, कितनी त्रुटियाँ दोस्तों ये हमको एरर्स हैं वो हमको देखनी है। तो अब यहाँ पर ईयरली स्टाफ टोटल्स, यहाँ पर देखें दोस्तों ईयरली स्टाफ टोटल दिया हुआ है, तो स्टाफ में दोस्तों एक एफ कम है, टोटल में एस नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो दो मिस्टेक ये हो गई। अब 1990-123 बिल्कुल सही है, 1991-119 बिल्कुल सही है, 1992-124 बिल्कुल सही, 1993-122। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही त्रुटि हो गई, 1994-121, 1995-111, 1995-111, 1996-126, 1996-136 एक त्रुटि दोस्तों यहाँ पर हो गई, यानी टोटल में लागत कितनी होगी दोस्तों, 4। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि GST का पूर्ण अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल मीनिंग ऑफ GST। अब दोस्तों आपको बताना है GST का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो दोस्तों GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पाइसेस बोर्ड केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्पाइस बोर्ड कम्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र, ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से हवा की कमी, हवा की नमी को किससे मापा जाता है, हवा में जो दोस्तों नमी होती है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, किससे मापा जाता है। दोस्तों ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मलेरिया और कालाजार किससे होता है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, वायरस, फंगस।
तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। मलेरिया काला जार दोस्तों किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से जाना जाता है, द कॉन्टिनेंट विच इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस। तो अब ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों जो पहला संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में वो 1951 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो दोस्तों ये जो शुरू हुई थी वो एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीली क्रांति से संबंधित है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू नील उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जूट उत्पादन, कृषि। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों नीली यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ऐसी वीडियो अब आपको डेली मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप बस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।